दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कुछ सीट्स हम बोटल गार्ड के लगाएंगे। ये मैंने कुछ पहले भी लगा दी थे जिनकी बेल अब काफी बड़ी हो गई है, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से मैंने कुछ सीट्स रख लिए थे जो कि आज हम इस क्यारी के अंदर ग्रो करेंगे, क्योंकि मैं इस बार कुछ सब्जियां लगा रहा हूँ क्यारियों के अंदर। तो इन क्यारियों में मैं जो घिया है हमारी वो लगाऊंगा। जैसे कि बाकी सीड्स लगाते हैं वैसे इनको भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें लगाना होगा, क्योंकि घिया की बेल काफी फैलती है तो एक क्यारी के अंदर हमें कुछ ही बीज लगाने होंगे, अदरवाइज ज्यादा फैल जाएगी। तो घिया के ऊपर काफी सवाल आते हैं कि घिया अब हम लगा सकते हैं क्या। तो देखिए, मैंने घिया आपको दिखाया था उस पे घिया लगी हुई है, उसके बाद भी मैंने एक लगाई थी जो अभी आधी ग्रो की है, यानी कि पहली वाली से आधी ग्रो की है, उसके बाद मैंने फिर से जो घिया है वो लगा दी है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा गैप देके काफी घिया लगा रखी है। ये घिया आप देखिए जो हमने लगाई थी, अब अच्छे से ग्रोथ इसने स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्दी ये इस साइड फैल जाएगी, जाल के साइड इसको फैला देंगे। और जो ये फ्रांस है, फ्रांस की जो ये जो टहनी है, इन टहनियों पर इसको डाल देंगे ताकि जो जो घी है वो नीचे जमीन से ना लगे और ऊपर लटक जाए तो और अच्छे से ग्रो करेगी। तो इन सभी बेलों को यहाँ फैला देंगे। देखिए, सारी बेलें जो हैं जो हमने लाइनिंग में लगाई थी सारी अच्छे से ग्रो कर गई है। ये जो बेलें हैं इनको मैं इस साइड फैला दूंगा और जो ये बेलें हैं इनको आधा इस साइड और आधा इस साइड फैला देंगे। और ये घिया काफी अच्छी क्वालिटी की है, ये देखिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो 4G कटिंग के बाद हमने घिया दिखाई थी, तो उसके बाद मैंने जब दोबारा उसकी अपडेट आपको दिखाई उसमें मैंने एक घिया आपको दिखाई जो छोटी थी, पतली सी थी। चलिए, उसका जो अपडेट है मैं आपको दोबारा से वो और दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको घिया दिखाई थी, आप देख सकते हैं वो घिया कितनी बड़ी हो गई है। और देखिए, ये देखिए, यानी कि मैं हाथ से नाप के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा मेरे हाथ इतनी बड़ी हो गई है, तो काफी तेजी से ग्रो करती है। और एक यहाँ बिल्कुल छोटी थी वो भी देखिए काफी बड़ी हो गई है, ये देखिए। और घिया देखिए आप कितनी अच्छी है, पतली कच्ची और लंबी है, यानी कि पकी हुई नहीं है, मोटी नहीं है। इस बार काफी अच्छे से घिया जो है वेजिटेबल मैं इस बार काफी अच्छे से लगा रहा हूँ ताकि घर में हमें जो है मार्केट से बाय ना करनी पड़े और खुद की ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं वो हम खा सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।